आपका दोस्त गणेश अहवाड़ अब सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हो। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुए थे। अतः जब कलयुग का अंत निकट आएगा तब श्री कल्कि भगवान भगवान विष्णु दसवें अवतार के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवानों के अवतार लेने की कई घटनाएं बताई गई हैं। इनके अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है या प्राणियों पर कोई मुसीबत आई है, भगवान ने उन्हें बचाने के लिए अवतार लिया है। कभी ये अवतार भगवान ने मानव के रूप में जन्म लेकर लिए हैं तो कभी अन्य रूपों में। भगवान विष्णु ने भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। शास्त्रों के मुताबिक कलयुग में भी भगवान विष्णु अवतार लेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान विष्णु का यह पहला अवतार है जिन्हें अवतरित होने से पहले ही पूजा जाने लगा है। इनके देश में कई मंदिर हैं। कल्कि पुराण के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की संध्या व्यापिनी तिथि में जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा। ऋग्वेद के मुताबिक कालचक्र 4 युगों में चलता है। ये युग है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। वर्तमान में कलियुग चल रहा है। इसी कलियुग में श्री हरि विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप और पापियों का अत्याचार बढ़ा है तब तब पृथ्वी पर भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर पृथ्वी को अत्याचारियों के आतंक से मुक्ति दिलाई है। हर युग में भगवान विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर लोगों को ज्ञान और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। धार्मिक पुराणों में भगवान विष्णु के सतयुग से लेकर कलयुग तक कुल 24 अवतारों के बारे में बताया गया है। इनमें 10 मुख्य अवतार है जिसे दशावतार कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं और आखिरी एक कल्कि अवतार कलयुग में होना बाकी है। 24वें अवतार के बारे में पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु का यह अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा, यानी कि जब कलयुग खत्म हो रहा होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा तब होगा। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु का यह अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होगा, इसलिए हर साल इस तिथि पर कल्कि जयंती भी मनाई जाती है। भगवान कल्कि के जन्म के समय गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में होंगे और भगवान के जन्म के साथ ही सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ वापस जाने के बाद कलयुग शुरू हुआ था। श्रीमद् भागवत के मुताबिक भगवान विष्णु का कल्कि अवतार 64 कलाओं से पूर्ण होगा। भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होंगे और पापियों का नाश करके पृथ्वी पर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप अत्याचार की अधिकता होने के कारण दुष्टों के संहार के लिए श्री कल्कि अवतार होगा। जब राजा होने का कोई नियम न रहेगा, राजा अत्यंत निर्दयी और क्रूर होंगे, उस समय भयंकर अकाल पड़ जाएगा। लोग भूख प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी होंगे। वे पत्तियां खाकर पेट भरेंगे, मनुष्य चोरी हिंसा आदि अनेक प्रकार के कुकर्मों से आजीविका चलाने लगेंगे। कल्कि भगवान का वाहन देवदत्त नामक सफेद घोड़ा होगा। हाथ में तलवार लेकर भगवान कल्कि पापियों का संहार करेंगे और साधु संत और शुद्ध मन वाले लोगों की रक्षा करेंगे। पुराणों के अनुसार श्री कल्कि का अवतार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल ग्राम में होगा और वह धर्म की स्थापना में सहयोग करेंगे। उनके अवतरित होते ही सतयुग का आरंभ होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान से कलयुग की शुरुआत हुई। नंद वंश के राज से कलयुग में वृद्धि हुई जबकि श्री भगवान कल्कि के अवतार से कलयुग का अंत होगा। लगभग 300 वर्षों से श्री कल्कि भगवान की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। रामावतार के समान ही कल्कि भगवान के भी 3 और भाई होंगे। इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर वह धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के याज्ञवल्क्य जी पुरोहित एवं परशुराम उनके गुरु होंगे। उनके 4 पुत्र भी होंगे। श्री कल्कि अवतार लोगों के लिए आज भी रहस्य है। हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे या फिर कल्कि अवतार हो चुका है। प्रिय मित्रों, अगली वीडियो में हम कल्कि अवतार और युग परिवर्तन के बारे में विशेष जानकारी लेने वाले हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।